हेलो एम एस सी वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे ओके okay? तो देखिए वाइब्रेशन यानी कि आई स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने स्टार्ट की थी लेक्चर टेंथ पे हम पहुंच चुके हैं और आज के लेक्चर पे हमने बात करनी है हमारे नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे यानी कि आज हम बात करेंगे शेप एंड सिमेट्री ऑफ ए बी थ्री टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ओके तो लास्ट लेक्चर पर मैंने आपको एबी टू बताया आज हम बात करेंगे एबी थ्री मॉलिक्यूल तो सेम वही चीज आपने रिपीट करनी है आपने क्या करना है आपने सबसे पहले अपने एबी थ्री मैंने क्या बोला ए बी थ्री जस्ट रिप्रेजेंटेशन है ये आप रिप्रेजेंट किया है इसके अंदर आपको कोई भी मॉलिक्यूल मिल सकते हैं बी थ्री के अंदर आपको वो मॉलिक्यूल मिलेंगे जिसके पास नंबर ऑफ एटम कितने होंगे फोर होंगे तो आप देखिए मतलब तो अमोनिया हो गया, गया। जैसे आपका बी एफ थ्री हो गया ओके ऐसे आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जहां पर आपको नंबर ऑफ एटम कितने मिलेंगे फोर मिलेंगे अमोनिया में नंबर ऑफ एटम फोर है एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन यहाँ भी आपको बी एफ थ्री में आपके पास नंबर ऑफ एटम कितने फोर एक बी का F का इसका मतलब नंबर ऑफ एटम आपके हैं फोर तो ये जो एटम है वो इस टाइप के क्लास के अंदर बिलोंग किए जाते हैं ओके? अब आपने इन का करना किया आप अपने क्या करना है अलग अलग अरेंजमेंट कराते थे एटम्स का और प्रॉपर है कोई कहीं भी कुछ भी मतलब दीजिएगा एक प्रॉपर अरेंजमेंट कराएंगे एटम्स का उनसे बनाएगा शेप और सिमेट्री कैसे बताएंगे सिमेट्री पता चलेगी जब हम लोग ग्रुप थ्योरी का यूज करेंगे मैंने आपको से लास्ट लेक्चर पे बताया था वही चीज हमने यहां करनी है एंड लास्ट में आप क्या करेंगे अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ड्रॉ कराएंगे मतलब बताएंगे कि आपको क्या है? ये चीज मैं आपको लास्ट लेक्चर पे बता दिया था

देखो अगर आपके मॉलिक्यूल में देखो जब आप AB2 टू की बात कर रहे थे एक बार ध्यान से सुनेगा AB2 टू में आपने क्या बोला एक होता है आपका लीनियर एक होता है अपने बैंड तो लीनियर तो आपने सिंपली बोला ना इसका स्ट्रक्चर देख के ए है बी है है तो ये सिंपल बात है लीनियर बन गया लेकिन ये बैंक में कब कन्वर्ट हुआ जब आपने बोला कि जो आपका ये है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है अगर इस सेंटर के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपल्शन क्रिएट होगा जैसे वाटर में होता है बार बार बता रही वजह से ये बॉन्ड हो जाता है टिल्ट और आपको बैंड स्ट्रक्चर मिलता है सिमिलरली पिरामिडल और प्लेनर के केस में भी ऐसा ही होता है अगर आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर में कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है उस केस में जो आपका मॉलिक्यूल होगा उसका शेप होगा प्लेनर प्लेनर मतलब बी ए आपने सेंटर पर लगा दिया यहाँ बीबी भी लगा सकते हैं आपकी मर्जी ओके तो सपोज आपको ये ज्यादा बेटर लगेगा देखने में ए बी फोर टाइप का अगर मॉलिक्यूल है तो को आप सेंटर पर लगा दो तो पर ऐसा जरूरी नहीं होता है कि ए ही सेंटर में हो क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है कोई एटम होगा तो आप बोलिए जैसे आपका N3 है N3 में नाइट्रोजन ही होगा सेंटर लेकिन AB में जरूरी नहीं है ए बी हो आप बी को भी रख सकते हैं हमको जो लगता सराउंड ये होगी सॉर ए बी थ्री है तो एबी थ्री तो तो में आपने क्या कर दिया बचे हुए तीन बी को आपने क्या कर दिया सराउंडिंग में तो देखिए आप इन्हें ऐसे अरेंज कर सकते हैं मैक्सिमम दूरी पे है देखो सबके सब ओके सब, तो इस केस में जो स्ट्रक्चर बना इसे बोला जाता है प्लेनर ओके लेकिन अगर आपके सेंट्रल मेटल एटम के पास लोन प्योर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जैसे यहाँ पर हमने AB2 में बात की थी तो आपका मॉलिक्यूल लीनियर से किसमें शिफ्ट हो गया सिमिलरली भी आपका मॉलिक्यूल प्लेनर बेट सिमिलरलीसम कन्वर्ट हो जाएगा पिरामिडल में तो आपका देखिए अमोनिया के, के केस पर भी ये रहता है अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है इनके ऊपर भी क्या होता है लोन प्योर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से आपका जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन की जो तीन हाइड्रोजन होते हैं वो थोड़े से टिल्ट होते हैं देखिए ये होते तो ऐसे आप इनको गया ऐसे भी अरेंज कर सकते थे ऐसे 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 तो ये भी तो बन जाता प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर बट ऐसा नहीं किया क्यों क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है मैंने क्या बोला हम दिखाते ऐसे हैं बट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होते क्या बताइए कोई दो नेगेटिव चार्ज एक साथ रह रहता है, है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ ये दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम रिपल्शन में होते हैं बट अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाए जिसकी वजह से क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ पर जो ये इसका इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन के

वो सारी की सारी इक्वल हो ओके मतलब समझ रहे हैं ना नाइट्रोज जैसे अमोन जैसे अमोनिया का केस दिया ना तो यहां पर को तो हम बोल रहे हैं कि ये चारों बॉन्ड लेंथ आपकी ये जो तीन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल है तो हमने दिखा दिया ये सारी बॉन्ड लेंथ क्या है इक्वल है ओके बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो इक्वल ना हो मे भी दो की बड़ी हो एक की छोटी में भी एक की बड़ी हो दो की छोटी तो कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर एक दूसरा केस बताया कि इसमें ये बोल रहा है कि इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है आपस में इक्वल नहीं है इसकी वजह से आपको अमोनिया का अमोनिया नहीं बोलना चाहिए इसे बोल सकते ए बी थ्री पिरामिडल टाइप का जो ज्योमेट्री है जो आपका शेप है इसका दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन आपको मिला तो ये लिख दीजिएगा ये है आपका रिप्रेजेंटेशन जैसे मैंने लास्ट लेक्चर पे बताया था तो दो ये आपने क्या दिखाया रिप्रेजेंटेशन ये दिखाया आपने शेप 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 तो शेप आपको पता चल गया शेप के बेसिस पे आपने ये जो पिरामिडल ज्योमेट्री है इसके पिरामिडल शेप है इसका दो रिप्रेजेंटेशन दिखाया ओके सिमिलरली जो आपका ये प्लेनर है प्लेनर टाइप के भी आपको प्लेनर जो शेप है इसका भी आपको तीन रिप्रेजेंटेशन मिलेंगे कैसे एक तो ये हो गया आपका जो मैंने आपको बताया ये देखिए ये वाला

बी सॉरी बी ए बी और ये वाला बी ए बी ये दोनों तो अल्फा अल्फा यानी कि बराबर है बट बी ए बी ये वाला बॉन्ड ले क्या है इन दोनों के बॉन्ड एंगल जो है वो इन दोनों के इक्वल नहीं है इन दोनों को आपने अल्फा बना दिया, इसको बना दिया बीटा यानी कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा तो इस केस में आपको एक और शेप बन जाता है ओके अब आप देखिए आप ना ये बस इतनी चीज माइंड में रखिएगा तो शेप तो बहुत सिंपल है बट शेप के बेसिस पर आपको कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है ये चीज आप अपने माइंड पर रखिएगा बस ओके अब देखो आपको ये शेप मिलेंगे तो अब आपने

ठीक है तो देखो अब आपने क्या करना है अब आपने निकालना है इसका पॉइंट ग्रुप अब आप बोलेंगे पॉइंट ग्रुप क्यों निकालना है क्योंकि देखिए हमने शेप तो देख लिया शेप के बाद हम बात करने वाला है symmetry. तो symmetry है, तो है तो आपको पता आप ग्रुप थ्योरी में तो पढ़ते हैं तो सिमिट्री का पता आपको किसी भी मॉलिक्यूल में एबी थ्री टाइप के मॉलिक्यूल की अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो एबी थ्री टाइप के मॉलिक्यूल में आपको सिमिट्री का पता कैसे चलेगा जब आप ग्रुप थ्योरी का यूज करेंगे और ग्रुप थ्योरी में आप क्या करते हैं ग्रुप थ्योरी में आपको पता है आप पांच सिमिट्री एलिमेंट का यूज करते हैं मैंने लास्ट लेक्चर पर बता दिया पांच सिमिट्री सिमेट्री एलिमेंट का यूज करके आपने चेक करना होता है आपके मॉलिक्यूल में इन पांच सिमेट्री एलिमेंट में थे कौन सी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है और जब आपको पता चल जाता है कि हाँ ये सिमिट्री एलिमेंट प्रेजेंट है अब देखो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है तो वो एक ही बार प्रेजेंट हो बी वो दस बार भी प्रेजेंट है तो ऐसे करके क्या आपके मॉलिक्यूल में कितने नंबर की सिमिट्री एलिमेंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पर आप क्या निकालते पॉइंट ग्रुप पॉइंट ग्रुप क्या होता है पॉइंट ग्रुप होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सारे सिमिट्री एलिमेंट आपके मॉलिक्यूल

एक तो होगा आपके पास सी थ्री एक्स ऑफ रोटेशन थ्री क्योंकि ये ये में तो देखिए, बट होता है Cn, okay? Cn, okay? But होता है, ये होता है actual में यानी कि इसमें क्या है? Cn, of rotation है, यानी कि अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखो बिल्कुल स्पेस नहीं हो रही है अगर आप इस मॉलिक्यूल में क्या है? एक एक्सिस एक डालेंगे, यहां से आपने एक एक्सिस डाली और आप इसे रोटेट करेंगे तो आफ्टर इसमें क्या होगा पूरी तरह से रोटेशन होगा और रोटेशन कितनी बार होगा किस नंबर का होगा वो किसके बेसिस से पता चलेगा इस एन की बेसिस पे ओके okay? और ये एन क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर पर बताया था ये होता है आपका नंबर ऑफ कॉर्नर तो आप देखिए यहाँ पर को नंबर ऑफ कॉर्नर कितने थ्री ओके okay? तो एवी टू में कितने थे आपके दो तो वहां हम लोग क्या बोलते थे सी टू भी लेकिन यहाँ नंबर ऑफ कॉर्नर कितने थ्री जैसे अमोनिया का एग्जाम्पल ले लीजिए अमोनिया का पॉइंट ग्रुप क्या होता है सी थ्री भी क्यों अमोनिया के केस में तीन कॉर्नर होते हैं तो यहाँ पर को जो ये एक्सिस है हम इसे सी एन ना बोल के क्या बोलेंगे सी थ्री क्योंकि नंबर ऑफ कॉर्नर कितने थ्री ओके okay? अभी रोटेशन वगैरह आप छोड़ दीजिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वैसे ही होगा कि यहां पर को आप नंबर ऑफ रोटेशन कितनी बार कराएंगे

अब हम बात करते हैं प्लेनर की ओके तो प्लेनर क्या बोलता है वो देखिए प्लेनर मॉलिक्यूल के केस में ये बोला जाता है प्लेनर को आपको तीन इस रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है एक दो तीन, ओके तो ये पहला रिप्रेजेंटेशन ये बोल रहा है इसका पॉइंट ग्रुप है d3h ओके अब d3h का मतलब क्या हुआ डी थ्री एच का मतलब ये है जो आपको ये एन रिप्रेजेंट किया है ना एन की वैल्यू क्या लिखी है क्यों क्योंकि पर को तीन कॉर्नर है इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट ऑफ सिमिट्री है उसमें एक तो आपकी सी थ्री रोटेशन है यानी कि अगर आप यहाँ पर से एक एक्सिस डाल के इसे रोटेट करेंगे तो वो भी रोटेशन भी पॉसिबल है यानी कि इस मॉलिक्यूल में एक सी थ्री एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसके साथ साथ ये जो एन का नंबर आया है एन मतलब थ्री है यहां भी आपने थ्री लिया तो तीन नंबर के ही सी टू एक्सेस भी होंगे यानी कि तीन आपके पास सी टू

अगर आपका एन आपका तीन है

काटते हुए जाएंगे तो आपको सिर्फ यहाँ दो कॉर्नर्स मिलेंगे और आप देखिए दो कॉर्नर्स क्या होगा अगर आप इसमें रोटेशन कराएंगे रोटेशन कौन से एंगल का आपको एन की वैल्यू से पता चलेगा आप रखेंगे थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई टू यानी कि वन एट्टी डिग्री से आपने रोटेशन कराना है कितनी बार कराना है जितना आपका एन है यानी कि दो बार रोटेशन कराना है इसका मतलब अगर आप यहाँ पर से रोटेशन कराएंगे तो सी टू एक्सेस प्रेजेंट है साथ ही साथ वी वी लिखा है इसका मतलब यहाँ पर को वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है बट कितनी प्रेजेंट है जितने आपके एन है एन है आपके दो तो यहाँ पर को दो नंबर के प्लेन भी प्रेजेंट है ओके इतनी चीज क्लियर है उसके साथ साथ यहाँ पर वी लिखा है इसका मतलब यहाँ पर को वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो मैंने आपको बता दी ओके तो इसका मतलब इसका पॉइंट ग्रुप हो गया सी टू भी सिमिलरली इसका भी सी टू भी होगा क्योंकि इसमें इस मॉलिक्यूल में भी आप

एक तो वो मॉलिक्यूल जिनका पॉइंट ग्रुप क्या सॉरी जिनका शेप uh, क्या हो आपका पिरामिडल हो एक हम वो लेंगे जिनका शेप क्या हो प्लेनर ओके okay? तो दो सबसे पहले हम बात करते हैं पिरामिडल ए बी टाइप के मॉलिक्यूल ओके okay? तो देखो पिरामिडल ए बी टाइप के अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल हो जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया अमोनिया ओके okay? तो अमोनिया के लिए नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉरी नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने होंगे आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे तो मैंने बोला है डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से आपको ये कैलकुलेट करना है ओके okay? तो आपको क्या करना होता है देखो यहाँ पर फॉर्मुला

प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशन को इसको एड करके आपकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए थ्री एंड के इक्वल आनी चाहिए ओके okay? अब ये बोल रहा है कि देखो आपके मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशन और रोटेशन की वैल्यू आपको गिवन होती है देखिए मैंने आपको एक सेपरेट लेक्चर भी बताया आई आर के केस पे कि आप कैसे पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वाइब्रेशन चेक कर सकते हैं साथ ही साथ मैंने लास्ट लेक्चर पे भी आपको बताया था और अभी भी बोल रही हूँ कि, कि किसी भी मॉलिक्यूल में आपको ट्रांसलेशन और रोटेशन की वैल्यू गिवन होती है ट्रांसलेशन आपको क्या बताता है कि आपका मॉलिक्यूल किस किस डायरेक्शन में मोशन में आ सकता है

है, अमोनिया की बात करें यानी कि ab3 टाइप के मॉलिक्यूल की बात करें तो नंबर ऑफ एटम क्या होंगे 4 तो यहां कर देंगे 3 into 4 तो यहां से आपको x की वैल्यू निकल जाएगी x मतलब आपके मॉलिक्यूल में कितने टाइप का वाइब्रेशन हो रहा है कितना इजी है ठीक है तो आप क्या करेंगे 3 into 4 क्या होता है 12 होता है और यहां पर को क्या होगा 3 3 6 तो x क्या होगा 12 6 यानी कि आपके मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं सिक्स तो आप देखिए ना सिंपल सी बात ये है कि आपका बोल रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो थ्री एन के इक्वल होता है और थ्री एन क्या होता है आपका एन मतलब होता है नंबर ऑफ ऑफ एटम तो आपको पता चला डिग्री फ्रीडम आपकी किसके इक्वल है ट्वेल्थ के इक्वल है और ये बोल रहा है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना वो तीनों टाइप के वाइब्रेशन के इक्वल होता है मतलब ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन और वाइब्रेशन ओके okay? अब देखो अगर आप तीनों को एड करते थ्री थ्री और इसकी वैल्यू भी जो होती सपोज क्या है हमने सिक्स निकाली अगर आप इनको एड करेंगे तो क्या

स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एक होता है आपका बैंडिंग वाइब्रेशन ओके और स्ट्रेचिंग में भी अलग अलग होते हैं और बैंडिंग में भी अलग अलग होते हैं तो आपने क्या करना है कैसे चेक करेंगे कि आपके मॉलिक्यूल में कितने स्ट्रेचिंग है और कितने बैंडिंग है मैंने क्या बोला आपने एन माइनस वन करना है और यहाँ पे भी एन क्या होगा नंबर ऑफ एटम तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी स्ट्रेचिंग की और अगर आपको स्ट्रेचिंग की वैल्यू पता है वाइब्रेशन की वैल्यू पता है तो आप क्या करेंगे स्ट्रेचिंग में से वाइब्रेशन को माइनस कर देंगे सॉरी वाइब्रेशन टोटल वाइब्रेशन में से स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को माइनस कर देंगे तो जो बची हुई वैल्यू आएगी वो किसकी होगी बेंडिंग वाइब्रेशन की कितनी इजी बात है तो एन इज इकल टू आपके कितने फोर तो आपने क्या किया फोर माइनस वन इज इकल टू कितना थ्री इसका मतलब थ्री तो है आपकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और टोटल वाइब्रेशन आपके सिक्स तो सिक्स में से थ्री गए तो आपके हो गए थ्री तो ये थ्री कितने हो जाए क्या हो गया आपके बेंडिंग वाइब्रेशन तो आपको क्या कैलकुलेट हुआ आपको ये कैलकुलेट हुआ कि आपके इस मॉलिक्यूल में पिरामिडल ए बी थ्री टाइप के मॉलिक्यूल में जिसका आपने एग्जांपल अमोनिया का लिया इस मॉलिक्यूल में मतलब कि इसमें नहीं सारे आपके एबी थ्री मॉलिक्यूल में आपका जो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन होगा वो तो होगा सिक्स जिसमें से आपकी तीन आपकी स्ट्रेचिंग होंगे और तीन आपकी बेंडिंग वाइब्रेशन होंगे ओके अब इनको मैं आपको एग्जांपल से दिखाती हूँ यहाँ पर आपका पूरा रिप्रेजेंटेशन है ये क्या बोल रहा है मैंने क्या बोला तीन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आप देखिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कौन कौन से होते सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल तो ये जो तीन है स्टार्टिंग की एक दो तीन ये तीनों क्या है आपके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है देखो स्ट्रेचिंग आपका सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल हो सकता है आपको पता है ना स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या कहता है मैं सबकी सेपरेट वीडियो बना चुकी हूं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लेकिन मैं साथ साथ चीजें और क्लियर कर रही हूं तो हमने क्या बोला स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या कहता है अगर आपने बॉन्ड लेंथ की अलांग स्ट्रेचिंग की वाइब्रेशन हुआ तो आप इसे बोलते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बैंडिंग वाइब्रेशन अगर आपने क्या है वाइब्रेशन कुछ ऐसा किया जिससे आपका सिमिट्रिक है, आप है, okay, तो है, है. तो है, है यानी कि सारी बॉन्ड लेकी एनएच एनएच एन एच है, है इनमें एक ही डायरेक्शन को स्ट्रेचिंग होगी यानी कि सब नीचे की ओर आ रहे हैं देखो और एक और चीज मैं आप बता दूं कि आप जनरली क्या बोलते हैं जैसे आपने एबी टू टाइप मॉलिक्यूल देखा एबी टू में आपको कुछ

इस लोन पेयर की वजह से भी आपका डायपोल मूवमेंट बनेगा यहाँ भी डायपोल यहाँ भी डायपोल तो आपके पास कुछ न कुछ डायपोल नहीं होगा डायपोल मूवमेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा हो जिसके वजह से सारे छह के छह मॉलिक्यूल आपके आई आर एक्टिव एज वेल एज रमन एक्टिव है इन सारे मॉलिक्यूल के लिए आप स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं ओके तो देखो तीन मैंने क्या बोला आपके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बैडिंग कैसे देखो

होंगी लोन पेयर आप दिखाइएगा तो यहां पर इस टाइप की स्ट्रेचिंग या आपकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन तो है बट स्ट्रेचिंग भी कौन सा है असमेट्रिक है क्योंकि सारी स्ट्रेचिंग अलग अलग डायरेक्शन में हो रही तो ये होगी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ओके जिसके लिए वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आपकी इन दोनों की एक्जैक्ट सेम होगी क्योंकि देखो ये दोनों दोनों के असमेट्रिक वाइब्रेशन है बस ये दोनों सेम ही तो है हो इससे क्या अलग अलग डायरेक्शन में कर रहे हैं तो इन दोनों की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी भी इक्वल होगी थर्टी फोर हंड्रेड सिक्सटी फोर परसेंटीमी इतनी चीज क्लियर है अब आगे तीन आपकी बैंडिंग वाइब्रेशन बैंडिंग में क्या है एक बैंडिंग तो आपकी सीजरिंग होगी दोनों सीजरिंग है देखो दोनों सीजरिंग है तो इनके लिए दोनों की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी एक है दोनों सीजरिंग क्यों क्योंकि एक बार अलग डायरेक्शन में सीजरिंग हो रही है एक बार अलग डायरेक्शन में सीजरिंग क्या बोलती है मोड ऑफ वाइब्रेशन में बताया है सीजरिंग ये बोलती है कि अगर आपके बॉन्ड एंगल क्या होंगे डिक्रीज होंगे सपोज क्या है जैसे आपके पास क्या है एबी टू के एग्जांपल से बताती हूँ ए बी टू में आप और सिंपली समझेंगे जैसे AB2 है आप देखिए यहां पर इनिशियली बॉन्ड एंगल कुछ होगा ओके okay? लेकिन आपको क्या है? करना है तो सीजर जैसे कट करती है ना पास आती है तभी तो कट करती है पेज को तो आपने क्या करना है इसको यहाँ लाना है इसको यहाँ लाना है तो ये जो बैंडिंग होगी जिसकी वजह से क्या है यह ये यहाँ को आ रही है ये यह यहाँ को आ रहा है जो आपका एटम है इसकी वजह से क्या होगा बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा और बॉन्ड एंगल में अफेक्ट होता है तो इस टाइप की वाइब्रेशन

सीज़रिंग ेशन जिसके लिए फ्रिक्वेंसी आपकी सेवनटीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव पर सेंटीमीटर दूसरा वाला भी सीजरिंग है सीजरिंग क्यों है अभी आप यहां को वाइब्रेशन दिखा रहे थे देखो यहां को कट कर रहे थे अंदर साइड को अब आप यहां से कट कर रहे हैं इसका मतलब अभी ये ऊपर आ रहा था अब ये नीचे की ओर जाएगा जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल यहां पर डिक्रीज होने लगेगा ये पूरा बॉन्ड एंगल ये भी आपका सीजनिंग है बस उल्टी डायरेक्शन में देखो यहां पर को आपका जैसे चल रहा था ऊपर यहां नीचे वैसे यहाँ आगे तो यहां पीछे तो ये दोनों सीजनिंग है इन दोनों की फ्रिक्वेंसी भी आपकी बराबर ही आएंगी ओके और लास्ट होता है आपका वैगिंग वैगिंग क्या कहता है जैसे आपको मैं यही बताऊं वैगिंग केस में भी बैंडिंग होगा मतलब बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा बट बॉन्ड एंगल में बहुत माइन्यूट चेंज आता है क्योंकि इस केस में क्या है दोनों आइटम सेम डायरेक्शन में मूव करता है ये आगे को कर रहा है तो ये इसके पीछे जाएगा जैसे लट्टू घूमता है ना ये यहाँ को जाएगा ये यहाँ को जाएगा ये यहाँ को आएगा ये इसके पीछे जाएगा ऐसा ही होता है तो देखिए ये वाला हाइड्रोजन यहाँ को आ रहा है ये वाला हाइड्रोजन यहाँ को ये वाला हाइड्रोजन यहाँ इसे बोलते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन में बताया है इसके लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको इलेवन हंड्रेड थर्टी नाइन पर सेंटीमीटर तो ये सारे के सारे छह वाइब्रेशन आप दिखा दीजिए ये अमोनिया के केस में होता है जो कि एक टाइप का पिरामिडल ए बी टू टाइप एबी थ्री टाइप का मॉलिक्यूल है ठीक है और सबके सब के इसमें क्या होता है आई आर एक्टिव एज वेल एज रमन एक्टिव भी होते हैं इतनी चीज क्लियर है अब अगला केस देखिए दूसरा हम बात कर लेते हैं प्लेनर ए बी थ्री टाइप की में तो प्लेनर ए बी थ्री में क्या होता है तो देखिए प्लेनर ए बी थ्री का हम एग्जांपल लेते हैं बी एफ थ्री में तो देखिए इसके केस में भी आपको सेम नंबर की वाइब्रेशन मिलेंगी क्यों क्योंकि मैंने बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू आपके किसके इक्वल होता है थ्री एन और एन आपके दोनों केस में इक्वल है कितना है फोर यानी कि थ्री इंटू फोर इज इक्वल टू कितना हो गया ट्वेल्व ओके और डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या किसके इक्वल होती है बोला ये तीन टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेशन रोटेशन और वाइब्रेशन जिसमें आपको ट्रांसलेशन और रोटेशन की वैल्यू पता है थ्री इंटू थ्री प्लस थ्री और वाइब्रेशन की वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है तो एक्स लिख दिया इज इक्वल टू तो ये अगेन हो गया आपका सिक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व टू आपका अगेन निकल गया सिक्स यानी कि यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू सिक्स है यानी कि इस मॉलिक्यूल में बी एफ थ्री अगर आपका क्या है बी एफ थ्री कैसा मॉलिक्यूल है प्लेनर एबी थ्री टाइप का मॉलिक्यूल है इस केस में टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन है आपकी सिक्स जिसमें से अगेन आपको क्या होगा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन को सेपरेट आउट करना है तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मैंने क्या बोला एन माइनस वन होता है आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन होता है आपका टोटल वाइब्रेशन माइनस स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ओके तो देखिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के आइटम है तो चार फोर माइनस हो गया वन इज इक्वल टू तीन टाइप के आपके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है तो बेंडिंग वाइब्रेशन क्या होगा टोटल वाइब्रेशन इज एक् सिक्स माइनस स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज थ्री तो टोटल कितने हो गए थ्री यानी कि तीन आपके बेंडिंग वाइब्रेशन तीन आपके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जैसे आपने ऊपर के केस में देखे तो यहाँ भी आपको तीन तीन ही मिले थे यहाँ भी आपको सॉरी यहाँ भी आपको तीन तीन ही मिलेंगे ओके okay? अब ये तीन कौन कौन से होते हैं वो भी हम डिस्कस कर ले तो देखिए BF3 के केस में भी यहाँ दिखाया, तो BF3 का केस भी सेम ऊपर वाले का जैसा है जिसमें आपको क्या है तीन स्ट्रेचिंग मिले तीन बेंडिंग मिले जिसमें से पहला वाला आपका सिमेट्रिकल होगा लास्ट के दो आपके क्या होंगे असिमेट्रिकल होंगे इनकी फ्रिक्वेंसी वैल्यू देख लीजिए आप बिल्कुल एक्जैक्ट सेम है क्योंकि देखो आपका पहला स्ट्रेचिंग क्या है मैंने बोला सिमेट्रिक एस लिखा है यानी कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है यानी कि सबके सब डायरेक्शन सब क्या होगा एक ही डायरेक्शन में जा देगी यानी कि सारी की सारी स्ट्रेचिंग क्या है एक ही डायरेक्शन को है ओके okay? और दूसरे केस में क्या है दूसरा जो दूसरा आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ही है बस कैसा इस, इस, कैसा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है असिमेट्रिक तीसरा भी है आपका असिमेट्रिक कैसे अगर यहाँ पर को आपका एफ को डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ नीचे की ओर जाएगा यहां अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो ऐसे ही होगा ऐसे होगा तभी तो ये असिमेट्रिक बना और यहाँ अगर नीचे की ओर जा रहा है तो यहाँ ऊपर ऊपर तो ये दोनों क्या है एग्जैक्ट एक दूसरे के इक्वल है तो इसलिए ये दोनों असिमेट्रिक वाइब्रेशन तो है दोनों असिमेट्रिक है बट एक दूसरे के फिर भी उल्टे समझ में आ रहा है

एक सिंगल पीक भी दे सकते हैं इसकी वैल्यू है आपकी 15487 सेंटीमीटर इसकी भी है 1587 सेंटीमीटर इतनी चीज क्लियर है तो तीन आपकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी तीन बेंडिंग बेंडिंग में भी आपको वही तीन मिलेंगी पहली आपकी वैगिंग वैगिंग क्या कहती है कि आपका ये फ्लोरिन और ये वाला यहां को सीजनिंग तो है, uh, वैब, है, सीजरिंग है सीजरिंग क्या कहती है यानी कि ये बोलेगा कि आपने क्या करना है इन दोनों को पास लाना जैसे आपका सीजर आता है यहां पर क्या होगा ये दोनों क्लॉक आ जाएंगे मतलब एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो ये दोनों क्या हो गए सीजर इसमें क्या होगा ये दोनों ऐसे क्लोज आने लग जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका सीजरिंग जो कि एक टाइप की बैंडिंग वाइब्रेशन के अंदर आता है जिसकी रेंज होती है 425 ट्वेंटी पर सेंटीमीटर और इसकी भी आपकी 425 ट्वेंटी पर सेंटीमीटर होगा यानी कि ये दोनों भी कंबाइन करके एक फर्मी रेजोनेंस करके एक सिंगल पीक आपको दे देंगे समझ में तो देखिए आपको क्या है मोड ऑफ वाइब्रेशन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे मुझे नहीं मालूम बट देखिए मैं आपको ऑलरेडी एक सेपरेट लेक्चर दे चुकी हूँ मोड ऑफ वाइब्रेशन में सारे टॉपिक्स पे देखो जो जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ सब पे हम ऑलरेडी एक लेक्चर पर्टिकुलरली बात कर चुके हैं ठीक है तो अगर मैं यही सारी चीजें और बताने लगी मोड ऑफ वाइब्रेशन देखो ऐसा हो गया ऐसा हो गया उससे क्या होगा कोई फायदा भी नहीं होगा हमारे प्रीवियस लेक्चर का क्योंकि एक घंटा हमने वहां बर्बाद किया वो लेक्चर देखे तो क्या होगा अगर मैं वही सारी चीजें यहां बताऊंगी तो यहाँ का टाइम वेस्ट भी होगा और वो वाला लेक्चर भी बर्बाद तो हमने क्या करना है पहले चीजों को तभी मैं बोलती हूँ सीरीज से पढ़ते हुए चलिए मोड ऑफ वाइब्रेशन आएंगे तभी आप आगे को चीजें समझ सकते हैं तो देखिए यहां अगर आपने मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़े होंगे तो यहां आप आसानी से रिलेट कर पा रहे होंगे चीजों को ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेक्चर फिनिश हो गया ये बना आपका आपने ये सारी भी चीजें बता दिया कि ए बी थ्री टाइप के मॉलिक्यूल में आपकी शेप क्या है आपने बताया